खबर एमपी के रतलाम से है, जहां शनिवार को नगर निगम और प्रशासन की टीम ने हिस्ट्री शीटर अज्जू शेरानी के अवैध निर्माण को जमींदोज किया। इससे पहले शहर में आतंक फैलाने वाले बदमाशों और सटोरियों के अवैध निर्माणों पर भी शुक्रवार को नगर निगम व प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। ताबड़तोड़ तरीके से शहर में हो रही इन कार्रवाई से गुंडे बदमाशों में खौफ का माहौल बन गया है। शुक्रवार रात से शुरू हुई गुंडे बदमाशों रसूखदारों के अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की कार्रवाई रतलाम शहर में शनिवार को भी जारी रही। सर, अपराधियों को किस तरह से चिन्हित करा जा रहा है और उनका किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी? ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सभी गुंडे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसी की कड़ी है। इसमें जैसे आज इनका अतिक्रमण हुआ जा रहा है, राजघाट के ऊपर 13 से अधिक मामले पंजीबद्ध है। इसमें मॉडर 307, बलवा 1718 पंजीबद्ध है। जिन अपराध थाने का लिस्ट गुंडा है, कल भी जिन 7 लोगों के अवैध अतिक्रमण उनके अड्डे छोड़ा गया, ये सभी थाने के लिस्टेड गुंडे थे। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी और अभी भी हमें लगभग 7-8 लोग और चिन्हित किए हैं हम लोगों ने, जिसके पार्टी रिकॉर्ड उनकी अवैध की जानकारी निकाली गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर, अपराधी अभी भी सर फरार है, कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि अपराधियों की हम लोग लगे हुए हैं, हमारी ड्यूटी में लगी है, उम्मीद है कि वह गिरफ्तार करेंगे। और तीनों भी अपराधी जो कल केस में थे, तीनों पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है और हम लोग लगे हुए हैं, गिरफ्तार करेंगे। शनिवार की सुबह शहर के हिस्ट्री शीटर अज्जू शेरानी के निर्माणाधीन अवैध बंगले को निगम अमले और प्रशासनिक टीम ने पोकलेन और जेसीबी की मदद से जमींदोज कर दिया। हिस्ट्री शीटर अज्जू शेरानी खाचरोद बाईपास रोड पर स्थित प्रतापनगर चौराहा पर 8,000 वर्ग फीट भूमि पर अवैध कब्जा कर आलीशान बंगले का निर्माण कर रहा था। इसी के बाद रविवार को भी जारी रही और इसी में माफियाओं पर कार्रवाई हुई, जिसमें जय भारत नगर में रईस का मकान तोड़ा गया। धान मंडी इलाके में गोपाल और श्रीनगर में कालू कसारा और दीपू टाक का शामिल रहा। जिला प्रशासन ने कहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। एक दर्जन से ज्यादा माफियाओं के मकानों को जमींदोज किया गया है। उसको आप जेल भेज दो, अगर आपको ऐसा तो उसको आज ही कारावास कर दो। पर इनका तो देखो कहाँ जाएंगे, जरा जैसे बच्चे होते कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे ये लोग। नहीं सर, पर देखो ना आप क्या स्थिति, मैं आपका समझ रहा हूँ, आप उसको जेल भेज दो। वास्तव में मैं इस क्षेत्र में रह रहा हूँ, इनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं किसी के लिए बोलने आया है कि आपके शहर में सबका, इनकी स्थिति बहुत खराब है, आप समझ लो। वो मैं क्या कह रहा हूँ, इनका पूरा लोन पे और इसका जो भाई है वो घर चलाता है, बहुत स्थिति नाजुक है इसकी। मतलब अगर जरा सा कोई कानूनी संस्थाओं को जमींदोज किया गया है, कार्रवाई कब तक चलती रहेगी और कितने लोगों को और अभी जो चिन्हित किए गए हैं जिनका अतिक्रमण के रूप में तोड़ा जाना है? देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था, जो अगर अपराधी है और उसके जितने अवैध निर्माण हैं वो हटाया जाए। आज वो अतिक्रमण जो हटाया गया है, व्यक्ति ने बिना अनुमति के ये 3 मंजिला कंस्ट्रक्शन कर लिया था, इस पर 10 से ज़्यादा अपराध है और समाज में आतंक था। तो ऐसे लोगों को हर स्तर पे वैधानिक तरीके से जो भी कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी, उसी की कड़ी है। ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी और उद्देश्य ये है, जैसे कल भी आपने देखा कि जो कुछ लोगों ने फायरिंग की, उनका सख्त कार्रवाई की, तो मैसेज देना है कि शहर में आम आदमी के मन में जो विश्वास है वो खंडित ना हो, और इसलिए ऐसे सारे गुंडे बदमाशों के खिलाफ चौतरफा कार्रवाई जारी रहेगी। ठीक है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिए, कितने जो अड्डे हैं ठिकाने उनको आपने तोड़ा है? देखिए, आज दिन भर जो कार्रवाई हुई है उसमें 4 ऐसे घरों को, ऐसे भवनों को तोड़ा गया है जिनका संबंध की इस प्रकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले व्यक्तियों से है, और इस प्रकार से चिन्हित किया गया हर थाने वाइज जितने भी अपराधी है उनको चिन्हित किया गया, और उनकी जितनी अवैध संपत्ति या बिना निर्माण अनुमति के कोई अगर निर्माण किया गया है या मतलब ठीक ठाक MOS का उपयोग करते हुए अगर निर्माण नहीं किया गया, तो इस प्रकार के भवनों को नगर निगम और मतलब पूरी टीम द्वारा गिराया गया। हाँ, बेसिकली ब्याजखोर है, सटोरिए हैं, दूसरे भी क्रिमिनल अपराध हैं, मतलब किसी भी प्रकार के जो मतलब समाज के लिए अपराधी हैं, उन सबके जो भी इस प्रकार के निर्माण है उनको गिराया जा रहा है। आज कितने टारगेट हैं सर आपके, 4 टूट गए हैं? आज का दिन भर का 4 का ही था, इसके अलावा की पूरी लिस्टिंग बन रही है।
कार्रवाई जारी रहेगी? कार्रवाई जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। विरोध भी देखने को मिला है, एक जगह ऐसी बात भी सामने आई है तो देखिए, किसी के व्यक्तिगत हित अगर प्रभावित होते हैं तो विरोध इस प्रकार का सामने आता है, पर उनको समझाइश दी गई और फिर जो भी नियम संगत कार्रवाई हुई है उसको किया गया। सर, किसी बीजेपी नेता ने भी कार्रवाई रोकने के लिए बात की गई? देखिए, वो मतलब नेता वाली बात तो है नहीं, मतलब बेसिकली जो भी सामने आए हैं, मतलब उन्होंने अपनी बात रखी, बात को सुना गया, उसके बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है वो की गई है।